जशपुर के पत्थरगांव नगर के भीतर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 43 सड़क की बदहाली से नगरवासी न सिर्फ त्रस्त हैं, बल्कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को तैयार हैं। बड़ा कारण यह है कि लोग इस सड़क की जर्जर हालत और उड़ती धूल के चलते बेहद परेशान हैं। सड़क में उड़ती धूल से शहर के लोग बड़े वाहनों के पार होते ही पीछे चलने वाले राहगीरों को भारी धूल का सामना करना पड़ता है। शहर के अंदर से गुजरने वाली सड़क के लिए सड़क पर कूदना पत्थरगांव की जनता के लिए एक जिम्मेदारी से कोई कम नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च कर इस सड़क को हर साल मरम्मत की जाती है, लेकिन इस सड़क की दशा कभी नहीं सुधरी। यह सड़क मरम्मत करने वालों के लिए कमाई का जरिया बन गई है। बारिश कम होते ही धूल से नगरवासी परेशान हैं। इधर कोरोना का भय और धूल का संकट इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है। नगर के युवाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी धूल से बीमारी बढ़ने की संभावना जताई है। पत्थरगांव से संवाददाता श्याम चौहान की रिपोर्ट। पूरा है इसमें 15 साल बीजेपी की सत्ता को भी झेलते हुए रोड वैसी की वैसी रही। अभी 2 साल कांग्रेस की सत्ता है, फिर भी रोड वैसा ही है। और पानी गिरे तो पूरा कीचड़ से परेशान रहते हैं, पानी ना गिरे तो धूल से परेशान रहते हैं। क्या लगता है किस तरह का परेशानी आप लोग उठा रहे हैं और क्या कुछ प्रशासन के द्वारा इस पर पहल की जा रही है? प्रशासन के द्वारा कोई भी पहल नहीं की जा रही है। अधिकारी कर्मचारी जो भी ऊपर में बैठे हुए हैं, ये लोग की वही बस डस्ट डाल देते हैं और 5 डंपर डस्ट डाले और दिल्ली लोग अधिक का बनाते होंगे। बस ये तो सोने की मुर्गी के बराबर अंडा देने वाली मुर्गी है, बस इसका शोषण कर रहे हैं और जनता भुगत रही है यहाँ पूरा। कितने परेशान हैं आप लोग? पूरे परेशानी है। आप खुद स्वयं अभी आप रिपोर्टर हैं, जाके देखिए यहाँ से, मतलब 10 फलांग दूरी पे चल के कोई सा भी गाड़ी से देख लीजिए और आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कितना डस्ट उड़ रहा है। अभी धूल लेने के कारण से जो है डस्ट है, मतलब श्वास नली में जाने के कारण से जो है विभिन्न प्रकार की इसमें श्वास से संबंधित बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। और एक डस्ट यदि श्वास लेने के कारण होता है तो उसको निमोनिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, आंखों में भी तकलीफ हो सकती है एलर्जी के कारण। अभी इस प्रकार की जो है सर्दी खांसी के जो है काफी केसेस बढ़ गए हैं।